मुंबई की भाईखला जेल में 28 दिन की कैद गुजारने के बाद रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर आ गई हैं। रिया के वकील सतीश माने शिंदे ने कह दिया है कि बंगाल की शेरनी फाइट बैक करने के लिए तैयार है। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल निकल कर आने के बाद नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शिकंजा रिया चक्रवर्ती पर कसा था। रिया पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मुहैया करवाने के इल्जाम लगे थे, जिसके बाद 8 सितंबर को रिया को न्यायिक हिरासत में लिया गया था। 9 सितंबर की सुबह उन्हें भाईखला जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। लगभग 28 दिन तक ग्राउंड फ्लोर पर बने सर्कल नंबर 1 में बनी सेल रिया का ठिकाना बनी रही। रिया के वकील सतीश माने शिंदे ने अपने इंटरव्यू में बताया कि रिया आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं, इसी वजह से उन्होंने इन मुश्किल भरे दिनों का पूरी हिम्मत और हौसले के साथ सामना किया है। रिया ने घबराकर हार मानने की बजाय खुद को पॉजिटिव रखा। इस दौरान वो जेल में कैदियों को योगा सिखाती थी। 7 अक्टूबर को रिया को 1,00,000 रुपए के निजी मुचलके पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। रिया को शाम 5 बजे ही रिहा कर दिया गया था, लेकिन रिया ने मीडिया के जमावड़े को देखते हुए फैसला लिया कि वो सीधा घर नहीं जाएंगी। जेल से रिया अपनी दोस्त के घर गईं और फिर देर रात करीब 1 बजे वो अपने घर पहुंची। बेटी के घर लौटने के बाद उनकी मां संध्या चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में अपने दिल का गुबार निकाला। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को प्रेम करने की सजा मिली। संध्या ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनकी बेटी इस पूरे सदमे से कैसे उभरेगी, लेकिन उसे उबरना होगा। हमें अपनी बेटी पर गर्व है। संध्या ने अपनी बेटी को फाइटर बताते हुए ये भी कहा है कि जब वो घर पर आई तो उसने हमें देखा और बोली, आप लोग इतने दुखी क्यों लग रहे हैं, हमें मजबूत रहकर लड़ना होगा। संध्या ने यह भी बताया कि जब उनके दोनों बच्चे जेल में थे तब उनके दिल में भी आत्महत्या का ख्याल आया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें अपने बच्चों की खातिर जीना ही होगा। संध्या अब रिया चक्रवर्ती की थेरेपी करवाने की सोच रही हैं। वैसे जेल से रिहाई के बाद रिया 8 अक्टूबर को मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन के बाहर स्पॉट हुई। 28 दिनों की जेल काटने के बाद पहले से काफी परेशान और कमजोर नजर आईं। इस दौरान उन्होंने व्हाइट कुर्ता, ब्लू जीन्स और मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। मालूम हो कि कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि रिया को सुबह 11 से शाम 5 बजे के बीच कभी भी घर के निकटतम पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। रिया की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बहरहाल एक तरफ रिया की वायरल तस्वीरें हैं जो उनके डर को दिखा रही हैं, तो दूसरी तरफ रिया के वकील और उनकी माँ उनके हौसले के बारे में बातें कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे आने वाली चुनौतियों का सामना रिया किस तरह करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।